किड्स कैंप में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स कैंप में टॉप ब्रांड मुफ्टी, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स कैंप मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यूबॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आए किड्स कैंप। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट खबरों। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई में कोरोना के मामलों में 79% बढ़ोतरी हुई है, जबकि ठाणे में 16 जगह हॉटस्पॉट सामने आया है। मनपा कमिश्नर विपिन शर्मा के आदेश पर 16 हॉटस्पॉट पर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार मामले में पुलिस को एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति पीपीई किट पहनकर जाते हुए दिखाई दे रहा है। दीघा तालाब में एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। इसकी पहचान कलवा के निसार पठान के रूप में हुई है, मगर पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये आत्महत्या है या फिर हत्या। तेलंगाना में पेट्रोल पंप पर 50 रुपए के ऑनलाइन पेमेंट के लिए 3 युवकों ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में पेट्रोल पंप मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बिहार के पटना में NSUI के कार्यकर्ता पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई है। बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के बढ़ते कीमतों पर कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, मगर रास्ते में ही पुलिस ने इन्हें रोक दिया। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। यूपी के पीलीभीत में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां हंसी मजाक करने में 3 लड़कों ने एक नाबालिग लड़के का हाथ पैर पकड़ लिया और एक लड़के ने नाबालिग लड़के के प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर के जरिए हवा भर दिया, जिसके बाद इस 9वीं कक्षा के छात्र की आंत फटने से उसकी मौत हो गई। वही बिहार के खगड़िया में दीवार गिरने से 6 लोग नीचे दब गए हैं। सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। 4 मजदूरों को बाहर निकाला गया है जिनकी मौत हो चुकी है और 2 की तलाश जारी है। हादसा तब हुआ जब नाले की दीवार बनाने का काम शुरू था। स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने को लेकर जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 51% लोगों ने ये बात मानी है कि बुर्का नकाब बैन होना चाहिए। बुर्का नकाब बैन पर देश भर के लोगों से प्रतिक्रिया ली गई। बुर्का नकाब बैन पर 14,26,992 लोगों का समर्थन मिला है, जबकि वहीं 13,69,621 लोग बुर्का नकाब बैन के खिलाफ हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल में विपक्षी नेता उस्मान पर रेप का आरोप लगा है और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। रेप के आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर आगजनी, दुकानों में लूटपाट की जा रही है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई और हिंसक प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उस्मान को राजनीतिक साजिशों के तहत फंसाया जा रहा है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद नागरिक और सेना आमने सामने है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सोमवार को गोलीबारी की, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद सैन्य गोलीबारी में 55 प्रदर्शनकारियों से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1700 लोगों से भी ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।